चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की स्थापना आज से लगभग 425 वर्ष पहले सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा हुई। इसी धर्म के प्रवर्तक महामति श्री प्राणनाथ जी ने इसका विश्वव्यापी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण विश्व को क्षर और अक्षर जगत से परे अखंड अक्षरातीत धाम का लक्ष्य दिया। सर्वधर्म संभाव के द्योतक महामति श्री प्राणनाथ जी के संदेश से प्रभावित होकर बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने उन्हें धर्मगुरु के रूप में स्वीकार किया और महात्मा गांधी ने उन्हीं के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अहिंसा परमो धर्म और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे मौलिक तथ्य विश्व को दिए। अतः महामति प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए एक गरिमामय और परम सौभाग्य का विषय है। तो आइए ऐसे विश्व एकता और परस्पर सौहार्दता का लक्ष्य रखने वाले महामति श्री प्राणनाथ जी के चतुर्थ शताब्दी महोत्सव और उनकी जागनी रथ यात्रा को हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनकी वाणी सुख शीतल करूं संसार को चरितार्थ करे। जी प्रणाम। ये जागनी यात्रा बड़े उत्साह के साथ में चल रही है। करनाल के लिए तो सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार भी करनाल में ये यात्रा पहुंची। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ क्योंकि ये रथ बड़ा सुंदर बना हुआ है। कहीं भी किसी भी रास्ते से हम निकल रहे हैं तो आसपास के लोगों के लिए एक ध्यान आकर्षित करता है ये रथ, और देख करके इसमें लिखी हुई चौपाइयाँ, श्री प्राणनाथ जी महाराज के स्लोगन वगैरह को देख करके उनको कुछ न कुछ प्राणनाथ जी के विषय में जानने का मौका मिलता है। और इतना ही नहीं, रथ के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल संक्षिप्त में प्राणनाथ जी का परिचय देने के लिए ब्रोशर वगैरह बना करके रखे हुए हैं। तो हमारे कार्यकर्ता लोगों को वो ब्रोशर दे करके उनको और एक ही दृष्टि में प्राणनाथ जी का परिचय प्राप्त हो, इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और जहाँ भी जाते हैं सुंदर साथ को प्रणामी संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को तो एक आकर्षण है ही है, पर इसके साथ साथ मैंने देखा उनसे कहीं ज़्यादा जानने की उत्सुकता दूसरों में भी देखने को मिली है। तो आशा है कि ये यात्रा वैसे भी भारत भर, केवल भारत में ही नहीं नेपाल और भूटान आदि क्षेत्रों में भी जाने वाली है। तो आशा है प्राणनाथ जी के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों के बीच तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए ये काफ़ी सहयोगी और काफ़ी अर्थपूर्ण ये यात्रा रहेगी। हमारी हार्दिक शुभकामना, जहाँ भी जाएँ, जिस क्षेत्र में भी जाएँ, आपको अगाव पहले से ही सूचना मिलेगी और आप उसमें सहयोग देंगे, सम्मिलित होंगे, गुरुजनों से श्री प्राणनाथ जी महाराज के संदेश के विषय में भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। सबका सहयोग होगा तो श्री प्राणनाथ जी महाराज का जो सुख शीतल करो संसार पसर श्री चौदह भुवन आदि जो कुछ कहा है, महावाणियाँ हैं, उनको चरितार्थ करने का मौका है। सभी के लिए हार्दिक शुभकामना, हमारा सप्रेम प्रणाम। खोजते खोजते सर
माता के नाम से एक डुबकी लगाइए, जब माता पिता धाम जाते हैं उसके बाद है, जिंदा है तो कोई जरूरत नहीं है, वो लोग अपने आप लगाएंगे। जब धाम जाते हैं ना तो माता जी के नाम से एक, पिताजी के नाम से एक, गुरु के नाम से एक और अपने नाम से, चार डुबकी हम लगाए ना गंगा में जा करके, तब तो गंगा स्नान का फल हमको मिला। माता के नाम से इसलिए कि माता ने हमें जन्म दिया, पिता के नाम से इसलिए कि पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया और हमारा जीवन उज्जवल बनाया, गुरु के नाम से इसलिए कि गुरु ने हमें परम धाम का मार्ग बताया, आत्मकल्याण का मार्ग बताया, एक अपने ही नाम से क्योंकि उस पे हमको चलना है, हमें आत्मा उद्धार खुद करना है। माता पिता ने जन्म और जीवन दिया, गुरु ने एक दर्शन दिया, पर चलना तो हम खुद को है ना, इसलिए एक अपके अपने ही नाम से कि हमारे पाप ताप संताप सब धुल जाए, हम निष्पाप बने, निष्कलंक बने, निर्मल बने, निरअहंकारी बने, निर्द्वेषी बने, इसके लिए हम लोग गंगा स्नान करते हैं। और ये वाणी का पारायण ज्ञान गंगा में स्नान है। जब आप पारायण पढ़ते हैं ना, ऊपर ऊपर से पड़ जाएंगे तो वो बार बार छींटा लगाने जैसा ही होगा। गंगा किनारे गए, थोड़ा सा पानी उठाया, ऊपर छींटा डाल दिया, कुछ चौपाई पड़े, कुछ चौपाई छूट गए, ऐसा ऊपर ऊपर का आपका पाठ हो जाता है। और एक पारायण ऐसा करें कि चौपाई का उच्चारण करते हुए, एक एक चौपाई का हम उच्चारण करके पारायण पढ़ें, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अखंड पाठ पढ़ोगे तो जल्दीबाजी होती है ना, पर अपने लिए पढ़ोगे, सात दिन में पढ़ो, एक महीने में पढ़ो, कितने दिन में पढ़ो, पर डूब डूब करके चौपाई का थोड़ा मर्म रहस्य समझ समझ करके। तो श्रीजी कहते हैं, तीन पांव पांव के हरफ को तुम लीजो दिल दे भाव, दिल दे करके उसको पढ़ना है, दिल दे करके कि ये प्राणनाथ जी ने मेरे लिए इतना सुंदर ज्ञान का भंडार कैसे प्रकट किया, अपना दिल लगा करके। जैसे हम दिल लगा करके घूमने फिरने निकलते हैं ना, दिल लगा करके व्यापार करते हैं, दिल लगा करके आप किचन में काम करते हो, कभी माताओं का है ना, होता ही है ना, दिल लगा करके भोजन बनाओगे तो भोजन में स्वाद होता है, ऊपर ऊपर से बनाओगे तो स्वाद होता ही नहीं है। दिल लगा करके व्यापार करोगे तो नफा अच्छा आपको मिल जाता है, दिल नहीं लगाओगे तो व्यापार भी डमाडोल हो जाता है। दिल लगा करके यात्रा करोगे तो यात्रा का एक एक जो है चीज़ों का आपको पता लग जाएगा। अभी हम लोग जयपुर में थे तो हम लोग आमेर किला देखने के लिए गए, कई बार गए पर कभी गाइड हम लोगों ने नहीं रखा, हम अपने आप घूम के आ जाते थे। इस बार हम लोग ने सोचा कि गाइड को रखा जाए, जरा इसका महत्व क्या बताता है। उसने इतना अर्थ खोल खोल के बताया, एक एक दीवाल का रहस्य, एक एक वहाँ पर कई कारीगरी बनी हुई है उसका रहस्य, वो मंदिर क्यों बना, किसने बनाया, किस संबत में बनाया, क्या है। तो दिल लगाने से इसका रहस्य का पता लग जाता है। ऐसे ये वाणी पढ़ते हुए दिल लगाएं, पूजा करते हुए दिल लगाएं, दिल लगा करके पूजा करें, आओ जी बाला मारे घेरे दिल लगा करके बोलें, आरती करें तो दिल लगा करके हम आरती करें, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ घुमा रहे हैं, उसमें अपना दिल भी जुड़ा हुआ है। भोग धरा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि हमने भोग व्यंजन वहाँ पर सजा दिया, वहाँ भी दिल लगा करके भोग हम धराएं। तो प्राणनाथ जी कहते तुम लीजो, इसको ग्रहण करो दिल दे करके, ग्रहण आपको करना है पर दिल धनी को देना है, दिल पिया को देना है, दिल पुरुषोत्तम को देना है, जैसे ब्रज की गोपियाँ करती थी।
इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रज की गोपियां, क्योंकि ब्रज की गोपियां जो भी काम करती थी ना दिल दे करके, इसलिए एक चौपाई में बारम्बार सुनाया करता हूं। एक कवि की रचना है कि एक बार एक गोपी को पूछा गया कि अरे गोपी तेरे को श्याम सुंदर मिल जाए तो तू क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार है। तो गोपी का जवाब सुनने जैसा है। गोपी ने कहा श्याम सुंदर मिल जाए तो घर तजो बन तजो नागर नगर तजो बंसी बट तट तजो कहूं पे न लजी हूं देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो आज राज काज सब ऐसी साज सजी हूं। बाबरो भय हो लोग बाबरी कहे मोको बाबरी कहे मैं कहूं पे न वर्जी हूं कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो दैया तजो मैया पे कन्हैया नहीं तजी हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कितना अच्छा जवाब दिया उस गोपी ने पूछने वाले को कि देखो घर परिवार सगे संबंधी बाल बच्चे बाप भैया मैया श्याम सुंदर के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो माया भी है ना। श्याम सुंदर तो आत्मा के धनी है, प्राणों के नाथ है, पूर्ण ब्रह्म है। उनके ही चरणों से हम जुदा होकर के संसार में आए, अंत तो गत्व उनके ही चरणों में हमें जाना है। इसलिए वो तो मूल संबंध हो गया ना, मूल सनमंद जानी मारो बालो अखंड सुखड़ा मागया। ये तो मूल सनमंद है, सनमंद मूल को मैं पांव पल छोड़ न जाए, मूल संबंध की पहचान हो जाए तो सब कुछ से मोह छूट जाता है। जब तक संसार में हमारा लगाव है ना मोह होते रहेगा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और ज्यादा करो और बढ़ाओ। पर जब ज्ञान होता है तो सब श्री राज्य का है, हम तो राज्य की सेवा में खड़े हैं और हमें राज्य के लिए काम करना है। व्यापार करना है तो भी श्री राज्य के लिए, घर धंधा करना है तो भी श्री राज्य को भोग बनाने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करना है तो ये भी राज्य की भक्ति करें इसके लिए। जो भी हम काम करें हर काम में केंद्र बिंदु परमात्मा को बना करके कि हम उसी केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखिए आकाश में कितने नौ ग्रह घूमते हैं ना, केंद्र में सूर्य को रख करके घूमते हैं ना, इधर उधर नहीं घूमते, उनका एक केंद्र सूर्य बना हुआ है, सौर मंडल उसको कहा जाता है। ऐसे ही मूल मिलावा को केंद्र बना करके हम चलें। श्री जी ने वाणी में यही कहा हुक्को नी तो इजे हथ में तू नीचा उनड़े निहार चुके माँ चमक ध्रुव जी से तू पाण सम्मार। अपने लक्ष्य को अपने मूल मिलावा को सामने रख करके आप जीवन में कार्य करो, आपका जीवन सार्थक होगा। तो दिल दे करके भाव के साथ हम वाणी का पारायण करें, वाणी का पाठ करें, वाणी का श्रवण करें। बानी आस्वादन करने के लिए तीन विधियां बताई गई है। एक पारायण के पाठ के माध्यम से हम बाणी का आस्वादन कर सकते हैं, दूसरा बाणी गा करके, क्योंकि अब बहुत सारी चौपाइयां गाई जा चुकी है, ये सारी बाणी गेय बाणी है। हम लोगों ने नित्य पाठ पूरे गेय गेय के रूप में संगीत के रूप में प्रकट किया है, बहुत सारे गायकों ने बहुत सारे प्रकरण को गाया है गा करके, और वो गायन को सुन करके भी वो रस लिया जा सकता है। और तीसरे नंबर में चर्चा के माध्यम से, चर्चा सुन करके चर्चा करके, तभी तो श्री जी ने कहा ते माटे तमे सुन जो साथ एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन ने रात आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं चर्चा सुनो, चर्चा सुनने से ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं सुनोगे ना तो आपके पास जितना ज्ञान है उतना ही बना रहेगा, सुनोगे तो ज्ञान आपका बढ़ता है ना। इसलिए हम न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ सुने, क्यों न्यूज़ नहीं सुनोगे ना तो दो महीने पुरानी बात आप करोगे। न्यूज़ में तो अपडेट होते रहता है ना, आज कहाँ पहुँचा आज क्या पहुँचा, वो आप करते ही नहीं, तो पुरानी बात आप करोगे ना तो लोग सोचेंगे ये समय के हिसाब से नहीं चल रहा है। इसी तरह से ज्ञान भी अपडेट होता रहा, इसलिए चर्चा सुनना बहुत जरूरी है। तो देखिए आज तो अब पूर्णावती का अवसर है और हम लोगों को भी आगे प्रोग्राम के लिए प्रस्थान करना है। आप सबको विदित है कि महामति प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव चल रहा है, ये पूरा 2018 का वर्ष एक पर्व का वर्ष, एक उत्सव का वर्ष, एक प्राणनाथ जी को पहचान कराने का वर्ष,
और प्राणनाथ जी के ज्ञान को जीवन में अवलंबन करने का वर्ष हमारे सामने आया हुआ है। कल हम लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ दीप प्रज्वलन करके फूल अर्पण करके प्राणनाथ जी तो हमारे हृदय में विराजे हुए हैं, फिर भी एक उनका स्वरूप है ना। देखिए प्राणनाथ जी की सारी फोटो साइड फेस वाली मिलती थी ना, पर हम लोगों ने 3D में प्रयास किया कलाकारों को रख करके, आर्टिस्ट लोगों से संपर्क करके कि फ्रंट फेस में प्राणनाथ जी आ जाएं। तो ये फ्रंट फेस की फोटो है, इस बार की कैलेंडर भी फ्रंट फेस में हम लोगों ने तैयार की है, आप लोगों को वितरण किया जाएगा जब आप लोग वहाँ कमरे में आएंगे। तो इस तरह से प्राणनाथ जी को आमने सामने ना, हम हक में हक हम में और हक बिना सब ख्वाब, जब भी प्राणनाथ जी का ध्यान करे तो एक आँख की ध्यान होती थी ना, साइड फेस में तो एक ही आंख दिखती है ना, एक तरफ का आधा चेहरा दिखता था। तो प्राणनाथ जी का पूरा ध्यान करने के लिए तो पूरा चेहरा चाहिए ना। संसार में किस रूप में आए, परम धाम में तो साक्षात राजश्यामा के रूप में हैं, पर संसार में प्राणनाथ जी के रूप में कैसे आए और कैसे मंत्री का कार्य उन्होंने किया, कैसे धर्म प्रचार का कार्य उन्होंने किया, एक तेजस्वी रूप में, एक प्रतापी रूप में, ये रूप के हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और साल भर सब जगह आनंद उत्सव मनाना है। पूज्य महाराज जी का आज कानपुर में कार्यक्रम है सायंकालीन, हम लोगों का सायंकालीन 4 बजे से अजमेर में बड़ा भव्य शोभा यात्रा है। जैसे यहाँ आप लोगों ने शोभा यात्रा के दर्शन किए प्रारंभ के दिन में, ऐसे ही अजमेर में शोभा यात्रा है 4 बजे से लेकर के 7 बजे, फिर मंच का प्रोग्राम है, फिर कल यहाँ भंडारा हुआ ना, ऐसे भंडारा वहाँ पर भी है, परसों दिल्ली में कार्यक्रम है, फिर रोज़ हम लोगों का कोई दिन छुट्टी नहीं है। ये साल ऐसा है कि हम लोगों ने छुट्टी नहीं रखी, एक दिन भी छुट्टी, महाराज जी तो अपने जीवन में छुट्टी रखते ही नहीं। हम लोगों ने भी इसी तरह का कार्यक्रम सेट किया है। तो भंडारी परिवार, इस परिवार के सक्रिय सदस्य, आप माता बहनें भाई लोग जो भी यहाँ हैं, एक एक में प्राणनाथ जी का जोश, प्राणनाथ जी का आवेश आता रहे, ताकि आप लोग ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे। हम तो चाहते थे कि एक कार्यक्रम हमारा नागौर में हो एक साल, एक कार्यक्रम मेड़ता में हो, क्योंकि ये दोनों हमारे जागनी स्थल है ना। ऐसा हमारा एक एक कार्यक्रम हमारा अजमेर में भी हो, क्योंकि मेड़ता से अग्रवाल प्राणनाथ जी के राजाराम का परिवार अजमेर चला गया और झाजन भाई का परिवार नागौर चला आया, तो ये तीनों स्थान में कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। परंतु हम लोग भी व्यस्त हैं और आप लोग भी व्यस्त हो जाते हैं, तो इस चीज को फिर आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसको, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमें क्या करना है, हम कहाँ योगदान दे सकते हैं, इस पे जरा सा चिंतन करेंगे तो ये कार्यक्रम हो सकता है, संभव हो सकता है। आपके पूर्वजों ने वो वरदान आपको दे रखा है, उस वरदान का सदुपयोग आप नहीं कर रहे। पूर्वजों ने ये कार्यक्रम करने के लिए पूरा वरदान छोड़ करके गए हैं, कबर कुछ कारण बस उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सभी संतजन लगे कि उसका सदुपयोग हो जाए, ताकि यहाँ से धर्म का प्रचार अच्छा से अच्छा हो सके और शुभ काम शुभ चिंतन होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर मंगल धाम की ओर से मंगल कामना व्यक्त करते हुए, और अभी थोड़े दिनों के बाद हम लोग 2018 में भी प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए भी मंगल कामना व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। महामती का यही विचार, सुख शीतल करो संसार, प्राणनाथ जी का यही कथन, पसरसी 14 भवन, प्रणाम। हे विश्व धर्म प्रणेता, हे साथ के सुचेता, श्री प्राणनाथ प्यारे, मेरे प्राणनाथ प्यारे, चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए, चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए, महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाए, वाणी सर्वत्र गाए, वाणी सर्वत्र गाए।